हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अवि। तो आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में जिनकी डिमांड हर्बल प्रोडक्ट्स में हमेशा टॉप पे रहती है। अश्वगंधा और शतावरी, ये दो ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आपने भी सुना ही होगा। इस वीडियो में हम डिटेल्स के साथ ये बात करने वाले हैं कि क्या हर्बल प्रोडक्ट्स सही में काम करते हैं, क्या आप अश्वगंधा और शतावरी को अपने डेली रूटीन में ऐड करके अपने बॉडी का वेट बढ़ा सकते हैं जैसा कि ये प्रोडक्ट क्लेम करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अश्वगंधा और शतावरी दोनों को ही नेचुरल टेस्ट बूस्टर माना जाता है, इसीलिए पिछले कुछ सालों से इनका इस्तेमाल जिम और कई तरह के एथलेटिक द्वारा किया जा रहा है। तो अश्वगंधा और शतावरी दोनों ही हमारी प्राचीन आयुर्वेद से निकल के आए हैं और ये सच में काम करते हैं। अब वजन बढ़ाने के पीछे का साइंस होता है कि जो खाना आप खाते हैं वो आपकी बॉडी को लगना चाहिए, साथ ही आपकी बॉडी में मसल बनाने के लिए टेस्ट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है और अश्वगंधा हमारे बॉडी में टेस्ट हार्मोन बूस्ट करने का काम करती है और शतावरी हमारे बॉडी के हार्मोन को बैलेंस करने का काम करती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को सही डाइट के साथ यूज़ करने से आपका वजन बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगता है। अब बात करते हैं कि इन्हें कब और कितना यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले बेस्ट रिजल्ट के लिए आप अश्वगंधा और शतावरी दोनों को ही रात में सोने से पहले दूध के साथ में यूज़ कर सकते हैं। ये पाउडर और टैबलेट दोनों ही फॉर्म में आते हैं। पाउडर फॉर्म को दूध में घोल के पीने से बहुत ही कड़वा हो सकता है और ऐसे टेस्ट की वजह से आप इन्हें लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं आपको अश्वगंधा और शतावरी टैबलेट फॉर्म में ही लेना सजेस्ट करूंगा। वजन बढ़ाने के लिए आपकी फुल डे की मील क्या होनी चाहिए, इसके लिए हमारी एक वीडियो पहले से बनी हुई है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।